हे गाइस, कैसे हो आप सब। और आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान सा सॉन्ग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और ये सॉन्ग प्ले करना गिटार पे बहुत ही आसान है। इवन अगर आपने आज पहली बार भी गिटार पकड़ा है तो ये वीडियो देख के आप इस सॉन्ग को बिल्कुल आराम से प्ले कर सकते हो। तो चलिए सॉन्ग को जल्दी से सीख लेते हैं। और इस सॉन्ग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके सिखाऊंगा, और सिखाने के बाद मैं कुछ टिप्स भी दूंगा जो बिगिनर के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे सॉन्ग को मैं फर्स्ट वाली स्ट्रिंग पे सिखाऊंगा, इसलिए स्ट्रिंग का नंबर बताने की जरूरत नहीं है, मैं बस फ्रेट का नंबर बता दूंगा, आप आराम से सीख जाओगे। तो इसका पहला पार्ट यहां से स्टार्ट होता है, 0 0 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग। 0 0 का मतलब होता है कि स्ट्रिंग को मैंने बिल्कुल ओपन यानी कि इधर कुछ नहीं दबाया और ऐसे प्ले किया 2 बार 0 0 ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 0, देन हम लोग क्या करेंगे, 7th फ्रेट को दबा लेंगे और 7 7, फिर 9 9, फिर 7। तो ये पहला पार्ट हो गया। चलिए एक बार मैं इसको धीरे से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला पार्ट हो गया, आप बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा 5th फ्रेट से, 5 5, 4 4, 2 2, देन 0। तो सेकंड पार्ट हो गया, चलिए इस पार्ट को भी धीरे धीरे प्ले कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां तक हो गया, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा हमारा 7th फ्रेट से, 7 7, देन 5 5, देन 4 4, देन 2। तो चलिए इसको एक बार धीरे धीरे प्ले कर देते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। इस पार्ट को हम लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से फर्स्ट वाला पार्ट रिपीट करेंगे। फिर सेकंड वाला, बस ये सॉन्ग यहीं पर कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार शुरू से बिल्कुल धीरे धीरे मैं प्ले कर देता हूं ताकि अगर आपको कुछ अभी भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। ये था पहला पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट। ये था सेकंड पार्ट। ये था थर्ड पार्ट। इसको फिर से रिपीट करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग पहला पार्ट प्ले करेंगे यानी कि फर्स्ट पार्ट प्ले करेंगे। फिर सेकंड पार्ट प्ले करेंगे। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट में कुछ बेसिक सी टिप्स दूंगा जो बिगनर के लिए काम आएगी। तो वो टिप क्या थी कि आपने देखा होगा जब मैं प्ले कर रहा था तो मैं ऐसे प्ले कर रहा था, मतलब ऐसे फिंगर रख रहा था फिर ऐसे रख रहा था। तो ये तरीका जो है ये मैं सिखाने के लिए बस कर रहा था ताकि आपको कैमरे में सही से दिखाई दे। अगर मैं बिल्कुल ऐसे रख लेता तो शायद कन्फ्यूज होने जाती। तो इसलिए आप जब प्ले करना तो एक एक फ्रेट पे एक एक फिंगर रखना। जैसे आपने ये वाला प्ले किया, समझ गए ना, 1 2 3 4। और दूसरी टिप ये है कि इस सॉन्ग को आप और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, स्लाइड, हैमर, पुल ऑफ, बेंड, ये सब डाल के। कैसे, देखिए इस टाइप से ये हैमर करके मैंने प्ले किया, स्लाइड करके प्ले किया, बेंड किया, मतलब बहुत से तरीके हैं, ऐसे बहुत से टेक्निक हैं। तो अगर आप बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल सीधा सीधा सीखो, ज्यादा ये सब के चक्कर में मत रहो, आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे।
और तीसरी टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हाथ में आपके प्लेक्ट्रम रहेगा यानी कि पिक रहेगी। तो आप इससे कैसे प्ले करेंगे, देखिए आप जब इसको प्ले करेंगे ना, तो अगर दो नोट आ रहा है जैसे टंग डंग, तो आप ऊपर से मत प्ले करिएगा, जैसे कि ऐसे मत करिएगा, एक बार ऊपर फिर दूसरा नोट जो लगाएंगे वो नीचे से लीजिएगा। तो समझ गए आप, अगर आप ऐसे प्ले करेंगे, ऐसी आदत डालेंगे, तो आपको बहुत काम आएगा आगे और स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाइए जो मैं कह रहा हूँ ऐसे प्ले करने के लिए। इसको आप अभी देखिएगा, अगर मैं एक चीज़ प्ले करता हूँ ऐसे, तो ये देखिए कितनी आसानी से प्ले हो गया। अगर मैं सिर्फ ऊपर से प्ले करूँ, आपको दिख रहा होगा, जैसे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा इफर्ट्स लगा रहा हूं, तो इसलिए आप आदत डालिए कि ऐसे ही प्ले करिए। और भैया चौथी टिप यानी कि फोर्थ टिप ये है कि जिन्होंने अभी स्टार्ट या गिटार बस अभी भी स्टार्ट किया, उनको पिक पकड़ना नहीं आता सही से, तो वो अपने थंब से भी प्ले कर सकते हैं इस टाइप से। इसमें आपको करना क्या है, आपकी ये जो चार फिंगर होती है ना, इसको आप बिल्कुल आराम से यहां पर ऐसे रख लीजिए और थंब से प्ले करते रहिए। लेकिन थंब से आदत मत डालिए, अगर आप लीड प्ले करोगे तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी और प्रॉब्लम होगी। अगर आप फिंगर स्टाइल करना चाहते हो तो बहुत काम आएगी, लेकिन लीड प्ले करने में थंब से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एक दो दिन हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं, चल जाता है, बट आप आगे जो है वो प्लेक्ट्रम से ही प्ले करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।